हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से अपन एक केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली यहाँ पे अभी शुरुआत करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड से, मतलब सेकेंड पार्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, जहाँ पे आपको रिएक्शंस के बारे में मेनली अपन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, और आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट हो जाए हो, किसी भी एग्जाम में आपको रिएक्शन वाले पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर मान लो नीट का बात करते हैं, जैसे 18-19 क्वेश्चन अगर आता है नीट में, तो उसमें से आपको जो है मतलब 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड पार्ट से मिलेगा, रिएक्शन वाले पार्ट से ही मिलेगा। ठीक है, तो मेनली अपन शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ अगर समझने का कोई होगा आइसोमेरिज्म का पार्ट या फिर IUPAC का पार्ट, तो वहाँ पे अपन थोड़ा सा फोकस करके वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन अपन मेनली यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड। ठीक है, इससे अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड शुरू करने से पहले यहाँ पे हम यह बात करेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको यूज़ में आएगा रिएक्शंस में। ठीक है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात करते हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्वेंट कितने तरह का होता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है किसी भी सॉल्वेंट जो है आपको रिएक्शंस को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, तीन चीज़ होता है। ठीक है, दो चीज़ होता है पहले। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूट को घुलने में मदद करता है। ठीक है, और रिएक्शंस को आगे परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट यहाँ से दो तरह का होता है, एक होता है आपको पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, एक होता है आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का और पोलर सॉल्वेंट का। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो क्या हो, जीरो हो। डायपोल मोमेंट क्या हो, उसका म्यू क्या हो, जीरो हो उस मॉलिक्यूल्स का। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो जैसे CCl4 है, आपको रिएक्शंस में कहीं CCl4 दिख जाए, इसका मतलब CCl4 एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, CCl4 है, अब CS2 है, CS2। ठीक है, CS2 हो गया आपको, जैसे कि बेंजीन हो गया, मतलब कि ब्यूटेन हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन हो गया, बेंजीन, ब्यूटेन, दिस ऑल आर द क्या हो गया, ब्यूटेन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ ब्यूटेन है, मतलब ब्यूटेन में मतलब ये हो गया कि सिंपल एल्काइल ग्रुप जो है, एल्केन जो है, ये क्या होगा आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट का। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पोलर होगा। इसमें भी अपन दो तरह का पोलर सॉल्वेंट देखते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक क्या होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हम दोनों में देखते हैं क्या अंतर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पहले यहाँ पे चलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको शॉर्ट में PPS लिखते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा होता है, ऐसा सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जो कि पहली बात तो पोलर नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलर नेचर होना चाहिए। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए। सेकेंड बात, इसमें क्या हो, पोलर नेचर का होना चाहिए और इसके पास एक्टिव एच हो। क्या होना चाहिए, एक्टिव एच प्रेजेंट होना चाहिए, इसके पास एक्टिव एच होना चाहिए। पोलर नेचर का तो होना ही चाहिए, साथ में एक्टिव एच होना चाहिए। हम बात करते हैं एक्टिव एच का। तो एक्टिव एच क्या होता है, सपोज मान लो एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट का EN ज़्यादा है, और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और इससे लगा हाइड्रोजन को, इससे अगर इस एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को अपन बोलेंगे दिस इज द एक्टिव एच। ये क्या है, इज द एक्टिव एच, इसको हम बोलेंगे एक्टिव एच हाइड्रोजन। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, ऐसा सॉल्वेंट, सॉरी PPS क्या हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो गया, ऐसा सॉल्वेंट जिसके जो कि पोलर नेचर, उसका मॉलिक्यूल्स क्या हो, पोलर नेचर का हो, साथ में एक्टिव एच प्रेजेंट हो, तो इसे को हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल, चलो हम शुरू करते हैं। पहली बात, पहला यहाँ पे है वाटर। ठीक है, वाटर H2O, H2O में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये,
तो हाइड्रोजन का ई एन और ऑक्सीजन के ई एन में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर है। इस हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन का ई एन ज़्यादा है तो इस पर डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और इस पर हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, दिस मॉलिक्यूल्स आर पोलर एंड साथ में इसके पास ये क्या है, दिस ये हाइड्रोजन क्या है, दिस इज द एक्टिव एच। ये क्या है, ये एक्टिव एच है, एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव। इसका मतलब यह वाटर क्या हो गया, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर क्या है, पीपीएस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अल्कोहल, आर ओ एच अल्कोहल। अल्कोहल भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन का भी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या है, एन का डिफरेंस है, मॉलिक्यूल्स पोलर है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर पोलरिटी है मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स पोलर है, साथ में यहाँ पे ये है एक्टिव एच है। ये क्या है, एक्टिव एच है आपको, ठीक है। एच क्या है, एक्टिव एच है, एच के यहाँ पे एक्टिव एच है। ये जो एच है हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये क्या है, एक्टिव एच है, ठीक है। ये भी क्या है, एक्टिव एच है। तो मतलब कि यहाँ पे ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है गाइस। तो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, चलो वाटर अल्कोहल। इस तरह से आपको जो है, इस तरह से आपको फिनॉल, फिनॉल भी क्या है, फिनॉल भी क्या है आपका, फिनॉल भी क्या है, ये भी पोलर प्रोटिक। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पोलर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लो, CH3C(OH), ठीक है, OH। एसिटिक एसिड भी क्या है आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं NH3 ले लो, ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। आप RNH2 ले लो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। RNR मतलब प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। ये सभी क्या है आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कोई दिक्कत है ऐसा, ये हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि जिसका कि मॉलिक्यूल्स क्या हो, पोलर नेचर का हो और साथ में एक्टिव एच हो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है आपको रिएजेंट का दोनों पार्ट, कैटायन और एनायन दोनों पार्ट को सॉल्वेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट अपन लिखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट एनायनिक एज वेल एज, लिखो यहाँ पे एनायनिक एज वेल एज कैटायनिक पार्ट, एनायनिक एज वेल एज कैटायनिक, ठीक है। एनायनिक एज वेल एज कैटायनिक पार्ट ऑफ रिएजेंट, ठीक है। रिजेंट का जो है PPS जो है रिजेंट के एनायनिक पार्ट और कैटायनिक पार्ट दोनों को सॉल्वेट करता है, ठीक है, दोनों को सॉल्वेट करता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो NaOH एक रिजेंट ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं रिजेंट के तौर पे, लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH। तो NaOH का बात करते हैं, तो NaOH को जैसे हम क्लोरो प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे, यहाँ पे Na+ और OH- में ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे Na प्लस को भी यहाँ पे आपको सॉल्वेट कर देगा, OH- को भी सॉल्वेट कर देगा। जैसे कि ये कौन करेगा, वाटर में डाले, जैसे यहाँ पे इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्वेट कर देगा, ठीक है। हर समय इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच होके क्या करेगा, इसको सॉल्वेट करेगा, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्वेट कर देगा और यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा। बीच से क्या करेगा, इसको बीच से ब्रेक कर देगा, यहाँ से बीच से ब्रेक कर देगा Na+ में OH- में, और यहाँ से एनर्जी निकलता है, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है, SE सॉल्वेशन एनर्जी निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या करेगा है Na+ और OH- को दोनों को आपस में ब्रेक कर देगा, ठीक है, दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इस क्यों करता है, जैसे देखो आपको पता है कि दो आयंस के बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बॉन्ड के बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो क्या होता है, F = K Q1 Q2 R² सिंपल। यहाँ पे देखते हैं कोई मैकेनिज्म क्या होता है, K² R². अब बोलो यहाँ पे K क्या होता है, K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 ε₀, ठीक है। और ये जो ε₀ है ये तो वैक्यूम का होता है, लेकिन इसका वैल्यू अगर वाटर के लिए देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है वाटर के लिए, 81, ठीक है, 81। मतलब कि 81 हो गया, मतलब कि इसके बीच का जो बॉन्ड है NaOH का जो बीच का बॉन्ड है इसको 81 टाइम्स कम कर देता है वाटर, 81 टाइम्स कम कर देता है वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वाटर जो है NaOH के बीच का बॉन्ड को वीक कर देता है, तोड़ देता है, अर्थ में
तो इस तरह से वाटर जो है आपको रिएजेंट का दोनों पार्ट, कैटायनिक एनायनिक दोनों पार्ट को सॉल्वेट करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे पोलर, अभी हम क्या पढ़ लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है। नेक्स्ट अपना है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पी ए एस, इसको क्या बोलते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। हम बात करते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का, इसमें भी वही बात कि इसमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, पहली बात तो पोलर नेचर का होना चाहिए, पोलर नेचर होना चाहिए, ठीक है, पोलर नेचर होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक्टिव एच एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव एच एब्सेंट, यहाँ पे एक्टिव एच एब्सेंट है, यहाँ पे एक्टिव एच प्रेजेंट है नहीं होगा, एक्टिव एच एब्सेंट होगा। तो इस तरह का सॉल्वेंट क्या बोलेंगे, इस तरह सॉल्वेंट बोलेंगे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला बात, इसका पहला एग्जाम्पल जैसे कि ईथर है, आर ओ आर है, ठीक है, आर ओ आर है, आर डैश को दूसरा ले लो, एल्कल ग्रुप ईथर या फ्रेम का मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ईथर, जितना तरह ईथर है, ऑल ईथर आर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जितना भी ईथर है सबका सब क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, सभी का सभी ईथर ले लो आप, ठीक है। जैसे कि आप एसीटोन ले लो, एसीटोन भी क्या है, आपको पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये क्या है, दिस इज एसीटोन। आपको रिएक्शन में कहीं भी एसीटोन दिखे तो एसीटोन को आप बोलो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इथर देखे बोलो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो इथर हो गया, आपको एसीटोन हो गया, दिस इज अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। आप बात करते हो डी एम एस ओ, जैसे डी एम एस ओ, देखो इसको बोलते हैं डायमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, डी एम एस ओ, नाम बस ध्यान रखो, डी एम एस ओ याद रखो, स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे दिखे आपको डी एम एस ओ समझ लेना आप कि ये क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। जहाँ आपको दिखे DMF, जहाँ देखिए आपको DMS हो गया, DMF हो गया, जहाँ देखिए आपको DMF, DMA, जहाँ देखिए आपको DMA, जहाँ देखिए आपको THF, क्या देखिए THF, ये सब क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। डायमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डायमिथाइल, इसको बोलते हैं DMA को, DMF को बोलते हैं NN डायमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डायमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका बस नाम याद रखो आप, स्टेज है जहाँ भी देखो DMF रिएक्शन के अंदर रिएजेंट के साथ ये लिया हुआ हो, ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। चलो ये सब हो गया आपको पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ एक चीज़ और, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का भी वही होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है सिर्फ केटायन पार्ट, रिएजेंट का सिर्फ केटायन पार्ट को ये क्या करता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट ओनली कैटायनिक पार्ट, ओनली कैटायनिक पार्ट ऑफ रिएजेंट रिएजेंट के सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक पार्ट को क्या करेगा, ये सॉल्वेट करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे कि कोई NOH ले लेते हैं, जैसे कि NOH ले लो, इसे बात करते हैं NOH जैसे हम एसीटोन के अंदर डालते हैं, जैसे NOH को एसीटोन के अंदर डालेंगे तो NOH क्या करेगा, NOH का Na वाला, Na प्लस वाला पार्ट जो है, इसको एसीटोन क्या करेगा जैसे कि ओ सी सी एस थ्री, इस तरह से एसीटोन का मॉलिक्यूल जो है इसको आप चारों से घेर लेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे आपको एसीटोन का मॉलिक्यूल चारों से इसको घेर लेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैटायन पार्ट को। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख लेते हैं एक बार यहाँ पे बना देते हैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों करता है, देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज, ये अट्रैक्शन शो करेगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन के अंदर यहाँ पे ही देना है, यहाँ पे है, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है कार्बन के ऊपर, लेकिन यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हिडन है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इधर है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे OH का, वो इससे अट्रैक्शन शो नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये एनायनिक पार्ट है, ये क्या है, एनायनिक पार्ट है,
एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट कर पाता है यहाँ पे कैटायनिक पार्ट। ये क्या हो गया, कैटायनिक पार्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट कर पाता है क्या आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या है एसीटोन है प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको नहीं कर पाता। तो यहाँ से ब्रेक उतना इजीली नहीं हो पाएगा, लेकिन ब्रेक होगा लेकिन उतना इजीली नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे एन ए प्लस ओ एच माइनस में सिर्फ एन ए प्लस को ये सॉल्वेट कर पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इसका यूज़ क्या क्या है अपन देखेंगे आगे चल के। ठीक है, दो लेक्चर लगेगा आपको बेसिक चीज़ को देखने में, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, पहला लेक्चर ये और इसके बाद ये हम देखेंगे, इसके बाद का लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं 15 मिनट का। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, आपको फ्री रेडिकल क्या होता है, फिर अपन अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इलेक्ट्रो क्या कहते हैं रिएक्शंस किसी तरह का होता है, न्यूक्लियोफिलिकेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिकेशन रिएक्शन ये सब क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको यहाँ पे एक एक टाइप ऑफ रिएक्शंस को एक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अपना इस तरह से आपको टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, कीप सपोर्ट गाइस।